ये बिल्कुल हवा है, हवा का डायरेक्शन देखो, ठीक है। 3 महीने के बाद में क्या है, हम लोग फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग करते हैं। बेसिक फायर जो ट्रेनिंग होता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं और कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को हम चलाते हैं, तो इसका कुछ टॉपिक है मैं बताऊंगा। आज जो हमारा जो टॉपिक है मैं आपको क्लियर के बताऊंगा। अभी भी हम लोग आग लगने पर क्या कार्रवाई करना है, तो उसमें क्या है, आदमी बहुत हड़बड़ी हो जाता है, इधर उधर भागता रहता है, तो ये सब चीज़ है। टाइम जो है क्लोज टाइम पे क्या है, आग को बुझाना है। तो हम लोग क्या है, जितना भी हॉस्पिटल के अंदर पे जो काम कर रहा है, सभी एक मतलब कि टीम होके, मतलब कि ये चीज़ जो है फाइटिंग करना है आग के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, हर 3 महीने में फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग चलता है, हर 6 महीने के बाद में क्या है, फायर मॉक ड्रिल करते रहते हैं। ताकि मॉक ड्रिल का मतलब हम लोग एक प्रैक्टिस करता है, कभी भी हॉस्पिटल को क्या है इवेकुएट करना है, बिल्डिंग को खाली करना है, किस किस को क्या क्या पीओटी देना है, तो इसी तरह से क्या है हम लोग काम करते हैं। तो आज का हमारा ट्रेनिंग है फायर अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या है, एक बेसिक पता होना चाहिए आग क्या है, ठीक है। नहीं, सबको पता है आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये 3 चीज से बनता है। क्या क्या चीज है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल का मतलब क्या है? है? ये क्या है? कपड़ा है। कपड़ा जलता है कि नहीं? जलता है ना। जो फ्यूल जो बोलता है, जो जलने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलता है? क्या? ईंधन। हाँ बिल्कुल सही बात बोला, ये एक ईंधन है कि नहीं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? हीट। हीट का मतलब क्या है? ताप, गर्मी है कि नहीं। जैसे धूप गिरता है 36 डिग्री सेल्सियस तक, जब धूप गिरता है तो उसमें क्या है, बहुत गर्मी लगता है कि नहीं। उसके बाद में 40 के ऊपर में जब चले जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। हम लोग बाहर निकलते ही क्या स्किन वगैरह जो है जल देता है, जला देता है कि नहीं? बिल्कुल जला देता है। तो इसी तरह क्या है, हीट के जो ताप जो है ज्यादा बढ़ने से क्या है, आग लग सकते हैं। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? आप लोग सांस लेते हैं? लेते हैं ना। कहाँ से लेता है? नाक से लेता है। नहीं, नाक को हम बंद कर देगा, सांस ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। मुंह से ले लेगा, है कि नहीं? मुंह को भी बंद कर देगा तो क्या होगा? है? तो डेड होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी तरह क्या है, आग जो है अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। ये 3 चीज से जलता है। कितने चीज से है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जो है बुझाने के, जो आग जलने का तरीका कितना है? 3 तरीका है। और बुझाने के लिए भी कितना तरीका है? 3 तरीका है। क्या क्या है? स्टारवेशन, कूलिंग और स्मोदरिंग। स्टारवेशन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? फ्यूल की सप्लाई को कट करना। फ्यूल की सप्लाई को कैसे कट करते हो? ये क्या है? रुमाल है, है कि नहीं? इस रुमाल को क्या है, उचित तरीके से उसका जो है तापमान मिलेगा तभी जाके ये रुमाल जलेगा ना, जलेगा, है कि नहीं? ये रुमाल जो है ये जल उठा है, ठीक है। उसके आसपास में कितना रुमाल है, पकड़ लीजिए कि 10 रुमाल और है। एक रुमाल में आग पकड़ लिया है, ठीक है। जो एक रुमाल में जब आग पकड़ लिया तो आजू बाजू में जो भी रुमाल होगा, जो भी फ्लेमेबल आइटम है, उसको तुरंत क्या है वहां से रिमूव करना है, हटाना है। जैसे हटाओगे तो क्या करेगा, आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आग को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आग जो है भूखा हो जाएगी तो क्या होगा, वो मर जाएगा। इसलिए बोलता है आग को भूखा रखना है, ठीक है। शॉर्ट तरीके से बोल रहा हूं, आग को
भूखा रखना है। आग को खाने के लिए देगा तो क्या करेगा, और भी जलता रहेगा, है कि नहीं। दूसरा क्या है, आग को ठंडा करना है। आग तो क्या है, गर्म है कि नहीं। गर्म को हम क्या करेंगे, ठंडा करना है। नेक्स्ट में हमने बोला हीट बोला ना, हीट को क्या हम कैसे करते हैं, ठंडा करना पड़ता है। पानी डाल दो क्या है, ठंडा हो जाएगा। आग को ठंडा करना है। तीसरा क्या बताया था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है, मतलब आग को गला दबा दो, है कि नहीं। आग को गला दबा देगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर, देखा है ना एलपीजी के सिलेंडर में आग लगा देता है, नहीं लगाते है। आग लगाने के बाद रुर करके जल जाता है, नहीं जलता है, इतना जल जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करता है, एक मोटा वाला एक कंबल ले लेता है, या चादर मोटा वाला एक ले लेता है, थोड़ा पतला है तो क्या है, पानी भिगो लेता है, लेकिन नहीं उसको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इसको ढक्कन जो है पूरा ढक देता है। ढकने से क्या होगा, पूरा ढकने से, क्योंकि उसका जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या है, आग बुझ जाएगा। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं, आप लोग समझ जाइए, स्टार्वेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग। आग को क्या है, भूखा रखना है, आग को ठंडा करना है, आग को गला दबाना है, ये तीन चीज जो है याद रखना है। कोई बोलता है ना आग कितना प्रकार का है, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है। आग को बुझाने का तरीका कितना है, कोई भी बोलता है तो आपको बोलना है स्टार्वेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग। आग को भूखा रखना है, आग को ठंडा करना है, आग को गला दबाना है, सिंपल सी तरीके है, ठीक है, समझ गया ना। आग कहाँ से शुरू हुआ, आग को जलने का कितना तरीका है, आग को बुझाने का कितना तरीका है, अभी आता है आग कितना प्रकार का है। तो आग जो है हमारा बिल्डिंग जो है उसी के ऊपर में निर्भर करता है। हमारा जो भी फायर ऑफिसर आता है वो क्या करता है, हमारा बिल्डिंग को सर्वे करता है, हमारा बिल्डिंग में क्या क्या आग जलने वाला है। सॉलिड फायर हो सकता है, सॉलिड फायर जनरल जो फायर जो बोलता है, कपड़े में लगना, प्लास्टिक में आग लगना, है कि नहीं, कूड़े कचरे में ऐसे टाइप में जो आग लगता है, हो सकता है ना, तो जनरल फायर है। सेकेंड क्या है, लिक्विड फायर हो सकता है, लिक्विड फायर कहाँ हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, ये सब लिक्विड फायर में आता है। लिक्विड फायर जो है हमारा हॉस्पिटल के अंदर कहाँ हो सकता है, जनरेटर चलता है, डीजल कहाँ से मिला अभी, जनरेटर रूम से मिला है, और कोई क्या है, हमारा जो गेट जो है कि नहीं, हमारा गेट में से कोई, हमारा जो अटेंडेंट हो गया, या कोई हमारा गेस्ट हो गया, कोई मतलब कि हमारा ये विजिटर हो गया, कोई केरोसिन, डीजल, पेट्रोल लेके अंदर आने देते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका यहाँ पे अलाउ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मेडिकल है, ऊपर से क्या है, ये सब चीज का क्या है, हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। बीमार जो है उनके पीछे में हम लोग लगातार भागते रहता है। जो सिक्योरिटी टीम है हमारा, वो क्या है, मेन जो जो इंट्रेंस है वहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर फ्रिस्किंग करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे फ्रिस्किंग सर्चिंग जब करेगा तभी जाके क्या करेंगे, वहाँ का जो है रुक पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, हर आदमी जो है बिल्डिंग में, जो हमारा हॉस्पिटल के अंदर पे जो काम करने वाला जो है, अपने अपने जो है काम का जो है अच्छी ढंग से जब निभाएंगे तो ये सब चीज घटना जो है नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, गैस फायर। गैस फायर हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, गैस फायर। देखो आप लोग इस हॉस्पिटल में कितने साल से है, आप लोग 2 साल से है, 2 साल से काम कर रहे हैं, जब से मतलब कि इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कितना गैस है, गैस का पाइपलाइन कितना है, आप लोगों ने देखा होगा बैक साइड में, देखो पूरा प्रॉपर सिलेंडर लगा के रखते हैं हम लोग, पूरा हर एक फ्लोर में हम लोग क्या है, हर एक रूम में उसको क्या है, सप्लाई देते हैं, नहीं देते हैं,
है ना। तो उसके साथ में क्या है, स्विच बोर्ड है, कारण का स्विच बोर्ड है बिल्कुल, कहीं कहीं नजदीक में स्विच बोर्ड वगैरह भी रहता है, आईसीयू में देखिए आपका, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा वार्ड में भी आपको देखो वहां पे गैस पाइपलाइन जो है खोलना पड़ता है, वहां से क्या है पेशेंट को देना पड़ता है कि नहीं। तो जितना भी हमारे जो नर्स है जल्दीबाजी में क्या है कभी कभी क्या है ठीक तरह से बंद नहीं करके चले जाते हैं कहीं, चलो इसको थोड़ी देर के बाद फिर खोलना है, तुरंत ऐसा हाथ करके चले जाता है, तो उसमें क्या है कभी कभी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा लीक चलता रहता है। तो उसमें ये इलेक्ट्रिक बोर्ड पास में रहता है कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है छोटा छोटा सा स्पार्किंग अंदर पे होता रहता है, इसलिए होता रहता है हमारा जो करंट जो है जो चल रहा है ये जो है कभी अप डाउन में चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम वोल्टेज, आप लोग तो पता नहीं चलेगा इसे लाइट जलने में, तो इतना तरह से पता नहीं चलेगा, अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। जो भी हमारे पास में जो भी ट्रांसफार्मर लगा है वहां से क्या है ठीक तरह से क्या है वोल्टेज जो है एक लिमिट में नहीं दे पाता है, तो उसमें क्या है कभी वोल्टेज अप डाउन में क्या है अंदर ही अंदर छोटा मोटा स्पार्किंग चलता रहता है, उसी स्पार्किंग जो है थोड़ा जल मतलब कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा या गैस के पाइप गैस के जो लीकेज जो है थोड़ा सा मतलब कि कनेक्ट हो जाएगा तो तुरंत क्या है आग पकड़ लेगा। तो इसके लिए भी ध्यान देना है, जो भी वार्ड पे है नर्स है जीडीए है हमारा जो सिक्योरिटी टीम है जहाँ पे वार्ड में डिटेल किया गया है उसका काम है सुबह मॉर्निंग पे जब आते हो तो उसको एक बार राउंड करना है, वहाँ पे कोई ऐसा गैस का बदबू तो नहीं मार रहा है, ताकि मारने से वहाँ पे क्या है प्रॉपरली उसको ऑफ किया नहीं किया या ऑफ करने के बाद भी क्या है कहीं पे मतलब कि उसको नाट जो है ढीला तो नहीं है, तो ये सब चीज जो है प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। गैस का फायर हो सकता है फिर बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो हॉस्पिटल में बहुत हो चुका है इसलिए फायर का जो है बहुत हम लोग ध्यान देते हैं, बार बार फायर के पीछे में हम लोग इसलिए पड़ते हैं ये केसेस जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं ऑल वर्ल्ड में हो रहा है, ये सब चीज जो है थोड़ा ध्यान रखना है। और चौथा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर हमारा हॉस्पिटल के अंदर कहाँ हो सकता है, सबसे देखिए हमारा हॉस्पिटल के अंदर समझिए, अब बाहर में बाहर की बात छोड़े हमारा हॉस्पिटल में है तो हमारा हॉस्पिटल के अंदर कहाँ हो सकता है ये चीज बताइए। कोई लूज कनेक्शन लिया हुआ है कहीं ने, किसी ने लूज कनेक्शन किया हो ऐसा है कोई, या मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि मशीन है कंटिन्यू 24 आवर्स चलता रहते हो, नहीं चलता है, चलता है तो उस टाइम पे क्या है आपका जो है कायन का जो बैकअप ठीक तरह से नहीं ले पाया या एसी ठीक तरह से दे नहीं पा रहा है लेकिन मशीन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक तरह से उसको कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो मशीन जो है गर्म होके क्या है अंदर ही अंदर क्या है सर्किट गर्म होके उसमें भी ब्लास्ट हो जाता है या उससे क्या है चिंगारी पैदा करना शुरू हो जाता है, वहां से क्या है पूरा धुआं निकलना फिर आग निकलना फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है जलना। टीवी है आपका अलग अलग सी इक्विपमेंट है मेडिकल के अंदर में हर चीज तो इलेक्ट्रिक के ऊपर में ही चलता है, नहीं चलता है, तो इसीलिए क्या है इस चीज को भी ध्यान देखना है। कभी भी आप लोग पेट्रोलिंग जाते हो या कोई भी हमारा जीडीए टीम हो नर्स है कोई भी स्टाफ हो कहीं भी काम कर रहे हो उसका प्रॉपर ध्यान रखना है, हमारा हॉस्पिटल के अंदर पे कहीं भी कुछ भी बदबू आ जाता है या मतलब कि ऐसा मतलब कि धुआं जो है दिखाई देता है तो उस टाइम पे क्या है तुरंत एक्शन लेना है, ये नहीं है कि धुआं थोड़ा दिखाई दिया चलो यार कहीं कुछ ये हो गया होगा, ऐसा ध्यान नहीं दिया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो हमारा पास में जो इक्विपमेंट है ये जो हमारा पास में जो इक्विपमेंट है सिर्फ हम लोग क्या है एक फर्स्ट एड का काम करता है, जो फर्स्ट एड जो घर से लेके एक हॉस्पिटल तक जो बीमार लाता है आपका उंगली कट गया ठीक है नहीं, आपका जो उंगली कट गया घर से क्या थोड़ा सा लपेट के लाके आते हो नहीं ठीक है आता है ना, इसलिए लपेट के आता है क्योंकि इसमें वो जो ब्लड जो है ज्यादा ज्यादा बहना जाए ठीक है, तो इसलिए क्या है टेम्पररी एक लपेट के फिर उसके बाद में कुछ लगा के हॉस्पिटल तक क्या है लेके आता है, तब हॉस्पिटल आने के बाद में क्या है फुली उसको क्या है सर्विस मिलता है। इसी तरह क्या है हम लोग भी जैसे आग लगता है तो उसको क्या है हम लोग कंट्रोल करके रखता है ताकि हम लोग फायर ब्रिगेड जो है कितने जब तक नहीं आता है तब तक क्या है हम लोग आपको कंट्रोल करके रखना है ठीक है। तो आप लोगों ने मॉक ड्रिल में देखा होगा फायर ब्रिगेड जो है अपने जगह से लेके हमारा लोकेशन तक आने के लिए कितना टाइमिंग पे आ गया है,
या 10 मिनट लगा या 15 मिनट लगा, वो टाइमिंग कितने में क्लोज किया उन्होंने, ये चीज जो है मॉक ड्रिल में देखा जाता है। ठीक है, इसी तरह ही क्या है, कभी भी कुछ भी फायर या मतलब कि ऐसा स्मोक दिखाई दिया या कुछ बदबू आ रहा है, कपड़ा जलने का या मतलब कि कोई सर्किट जलने का बदबू मतलब कि आ रहा है, तो तुरंत क्या है उसको इन्फॉर्म करना है या उसी जगह का पूरा जो है सर्च करना है, वहां पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो ये सब चीज वेरीफाई करने के बाद में ही मतलब कि इसको क्या है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कितना प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का हो गया। तो मेटल फायर हो सकता है, यहाँ पे मेटल फायर जो है बिल्कुल नहीं हो सकती है। मेटल फायर जो है बड़े बड़े कंपनियों में जहां पे लोहे से लोहे जो पिघलता है उस जगह के लिए है, तो हमारा यहाँ पे कोई मेटल तो ऐसा पिघलता ही नहीं है। तो सेठा में एक आता है अपना किचन फायर जो है, किचन फायर हो सकता है यहाँ पे, किचन फायर यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमारा कैंटीन है कि नहीं, थर्ड फ्लोर में भी है जो जो यहाँ पे खाना वगैरह बना रहा है कि नहीं। देखिए ज्यादातर देखिए हमारा कैंटीन में भी, मैं बोल रहा हूँ कैंटीन में भी कभी क्या है, आपने कढ़ाई जो चढ़ा दिया, कढ़ाई चढ़ाने के बाद में क्या है आपने तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद में फिर अचानक बुला लिया आपको, बोला भाई एक बार सुनिए एक छोटा सा एक बात है मैं बोलता हूँ, तो उसी के बाद के चक्कर में क्या है वो तेल जो है पूरा फुल गर्म होने के बाद में क्या है वहां से आज आग जो लगती है उसको बोलते हैं किचन फायर। ठीक है, किचन फायर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ का जो एलपीजी गैस जो लगी है उसी को मतलब कि जलना, ऐसा नहीं है। जो किचन फायर जो होती है, जैसे आपने कढ़ाई जो है खाली कढ़ाई जो है चढ़ा दिया, फिर उसके बाद में कहीं मोबाइल में कहीं गप मारना शुरू कर दिया, कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया लाल हो गया, उसी में आप पानी थोड़ा सा ऐसा करके भी मारोगे तो उसको क्या है आग पूरा जलते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, इतना आग का गोला निकलना शुरू हो जाएगा, पानी से आग भी बुझाता है पानी से आग भी लग जाता है, तो इसी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो सभी आदमी जो है अभी समझ गया होगा फायर कितना प्रकार का है, आग 5 प्रकार का है। ठीक है, सेठा तो हमारा पे है नहीं है, 5 प्रकार का क्या क्या है, सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, गैस फायर, इलेक्ट्रिक फायर और किचन फायर।